बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज सहारनपुर के घंटा घर पर इकट्ठा होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में दुर्गा मंदिर में हुई लूट और पिटाई पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सहारनपुर को अपना ज्ञापन सौंपा और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वही बजरंग दल कार्यकर्ता आचार्य कमल किशोर ने बताया कि आज उन्होंने डीएम सहारनपुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार का दूसरा वर्जन आया है तब से मंदिर असुरक्षित हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि जब से सरकार अपने दूसरे वर्जन में आई है, हिंदुओं पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक केंद्रों पर, मठ मंदिरों में, चारों तरफ से जो है, आप रांची घटना देख लो, सूरत देख लो, अलीगढ़ देख लो, मेरठ देख लो, और जहां पर पूरी दिल्ली का पूरा जो पूरे विश्व, पूरे भारत का जो दिल्ली है, राजधानी है, जहां पे सारे सांसद, राष्ट्रपति महोदय स्वयं, प्रधानमंत्री महोदय स्वयं, सभी वहां पर रहते हैं, उसी दिल्ली में उन्हीं की नाक के नीचे 30 जून को दुर्गा मंदिर पर जिस प्रकार से विधर्मियों ने हमारे धार्मिक केंद्र पर, मंदिर पर आक्रमण किया, केवल आक्रमण ही नहीं किया, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया, उस प्रकार से जब उसका विरोध किया गया तो उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।